आज एनजीओ जियो और जिनेदो की तरफ से बसनोत मोंगरी गांव में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स करती है, हमारे लिए सरकारी स्कीमें लॉन्च करती है और हम कैसे उसका लाभ लें। लोगों ने बड़े शौक से सुना और प्लेज किया। बेटी बचाओ के लिए बताया गया, उसके साथ साथ चाइल्ड बच्चों के लिए बताया गया, एजुकेशन के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो हमारी संस्था का ये प्रयास रहता है कि ग्रामीण इलाकों में जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, उन्हें अवेयर करें उनके हक के लिए, ताकि वो जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भेजता है उनके तक प्रॉपर पहुँच सकें। इसके साथ साथ लिटिल प्रयास जो हमारा है पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इस वक्त तक 90,000 से अधिक लोग जो हैं ओल्ड क्लॉथ बैंक के बेनिफिशियरी हैं। आज यहाँ भी ओल्ड क्लॉथ बैंक की तरफ से यहाँ पे कपड़े बांटे गए लोगों ने लिए। तो ये मुसलसल हमारा जो प्रोग्राम है ये चल रहा है और हम पूरे तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं कि अगर मिलजुल के हम एक दूसरे के लिए आगे आएंगे तो सोसाइटी में कोई भी खाली पेट नहीं रहेगा, कोई भी बगैर छत के नहीं रहेगा। ये हमारा नहीं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर है। यहाँ कोई भी बगैर रात को भूखा नहीं रहता और हर सर पे छत है। तो यही प्रयास जो है हम आगे जारी रखें और तमाम लोगों से हम उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे तक ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ख़ास तौर पे मैं मैडम जी का, सरपंच साहिबा का, गांव के तमाम लोगों का, जो यहाँ पे हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ आए थे, उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया और लोगों ने बड़े प्यार से हमारी बात सुनी। और मुझे उम्मीद है कि लोग उस पर चलेंगे और जम्मू कश्मीर जो है तरक्की करेगा। हम यही भगवान से, अल्लाह मियाँ से, वाहेगुरु से, जीसस से यही प्रेयर करते हैं कि हम लोग जो हैं खुद कफील बने, हमारा स्वयं का रोज़गार हो और हम आगे बढ़ें, हमारे बच्चे एजुकेशन लें। पिछला साल कोविड में चला गया तो जो 21 है इसको हम सुनहरे तरीके से आगे लेके आए ताकि हमारा भविष्य जो है वो सिक्योर रहे। इंचर अर्बन फार्मिंग्स प्रेजेंट्स फर्स्ट टाइम इन जम्मू, ग्रो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ऑन योर रूफ विदाउट सॉइल विद जीरो वेस्टेज ऑफ वाटर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।